चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो मासेस हैं, टू मासेस एम एन एम एम टू आर अटैच टू अ स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शन लेस स्मूथ पुली व्हेन एम वन और एम टू की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा? तो देखो 10g नीचे लगेगा इधर और 6g इधर लगेगा। तो अगर देखा जाए, अगर दोनों मासेस को एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रख दिया जाए तो लेफ्ट साइड में 10g लग रहा है और राइट साइड में 6g लग रहा है, और दोनों को एक बना दिया जाए क्योंकि 10 और तो इसको 16 कह देते हैं, तो इधर 10g लग रहा है और इधर 6g लग रहा है, तो बॉडी किधर चलेगी? पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड चलेगा। तो अल्टीमेटली इधर से देखा जाए तो एक्सेलरेशन इसका m1 का नीचे की तरफ होगा और m2 का ऊपर की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा? mt into a। एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी? 10g माइनस 6g, तो 10g माइनस 6g, 6g इज इक्वल टू mt की वैल्यू कितनी होगी? पूरे सिस्टम का मास 16 है, 16a, ये कितना हो जाएगा? 4g इज इक्वल टू 16a, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4g बाय 16, g की वैल्यू है 10, अगर कंसीडर कर लें तो 10 बाय 16 कितना हो जाएगा? ये 4 हुआ, 10 बाय 4 कितना होगा? 5 बाय 2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम का। तो कौन सा ऑप्शन? c ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।